हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो भाई, आपके सीटेट 2021 के एडमिट कार्ड तो आपके आ चुके हैं, लेकिन उसको लेके कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे कि अभी कुछ ही लोगों का एडमिट कार्ड आया है, सबका नहीं आया। तो सबका क्यों नहीं आया है और किन किन लोगों का एडमिट कार्ड अभी आया है, तो ये सारी जानकारी इसमें करेंगे। उसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर प्री एडमिट कार्ड क्यों लिखा हुआ है, इस प्री एडमिट कार्ड का मतलब क्या है। इसके अलावा इस बार जो है आपके दो एडमिट कार्ड आएंगे, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। इस बार जो है अभी आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर एग्जामिनेशन सेंटर और टाइम शो नहीं कर रहा है, तो वो क्यों शो नहीं कर रहा है, इसकी वजह क्या है। तो ये सारे डाउट्स और सारी चीज़ें इसमें क्लियर होने वाली है। और जिन लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं उनके क्यों नहीं आए हैं, कब तक आ जाएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो उसका कारण क्या होगा, कुछ लोगों के आएंगे ही नहीं ऐसा भी उसमें है, तो उन सारी बातों के सारे डाउट्स के इस वीडियो में जो है क्लियर होने वाले हैं, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको अभी तक आपने डाउनलोड करने की कोशिश ही नहीं की है, या आपने देखा ही नहीं है, या आपको पता ही नहीं चला कि आ गए हैं या नहीं आए हैं, तो आप सीधा जाके CTET की वेबसाइट पे, वेबसाइट आपकी है CTET.NIC.IN, तो उस पे जाके आप यहाँ पे पेज ओपन करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा डाउनलोड प्री एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे दो लिंक दिए हैं, अगर एक लिंक काम नहीं करता तो दूसरा यूज़ करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस पे प्री एडमिट कार्ड उन्होंने क्यों लिखा है तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये वाला पिन यहाँ पे डाल के आप सबमिट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उस एडमिट कार्ड पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर नहीं दिया है, आपकी टाइमिंग भी नहीं दी है कि किस टाइम आपका एग्जाम होगा, सिर्फ आपका शहर का नाम दिया है कि इस शहर में आपका एग्जाम होगा। तो ये सारी जानकारी इस पे क्यों नहीं है, आधी अधूरी क्यों है, ये सारी जानकारी देखिए। इसमें एक्चुअली एक पब्लिक नोटिस का ऑप्शन भी है, आप देखेंगे नीचे जाके तो यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस का ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो आपके सामने मैं PDF ये ओपन कर लेता हूँ और इसमें आपकी सारी जानकारी दी गई है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने दिया है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल बी कंडक्टिंग द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर बेस्ड मोड, यानी कि ऑनलाइन आपका होना है, इतनी जानकारी आपको पहले से ही है। ड्यूरिंग 16 दिसंबर टू 13 जनवरी 2022 एट डिफरेंट सिटीज, तो ये आप सबको इतना तो पता ही है ऑलरेडी, लेकिन इसके आगे की जानकारी जो है वो क्या है कि द ई एडमिट कार्ड ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पेड द फीस एंड अलॉटेड एग्जामिनेशन डेट ड्यूरिंग 16 to 31 December 2021 हैव बीन अपलोडेड ऑन द CTET वेबसाइट CTET.NIC.IN। मतलब इसका सीधा सीधा ये हुआ कि जिन लोगों का एग्जाम 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच होना है उनके एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो सीधा आप समझ जाओ, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में नहीं होना है, आपका उससे बाद में होगा। तो इन्होंने आगे अगली लाइन में लिखा है कि द एडमिट कार्ड्स ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड डेटेड ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग 1 to 13 January 2022 विल बी अपलोडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि जिन लोगों का एग्ज़ाम 1 जनवरी से 13 जनवरी 2022 को होना है उनके एडमिट कार्ड अभी जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि किन लोगों के डाउनलोड हो जाएंगे अभी या किन लोगों के नहीं होंगे, तो भाई इसका कुछ कन्फर्म इलाज नहीं है, ये तो बस आप इस पर चेक करके ही पता कर सकते हैं। अगर आपका डाउनलोड हो रहा है एडमिट कार्ड तो इसका मतलब आपका जो है 16 से 31 दिसंबर को के बीच में होना है, और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओ कि 1 to 13 January के बीच में आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन और है कि अगर सर्वर डाउन होने की वजह से या वेबसाइट हैंग होने की वजह से या इंटरनेट प्रॉब्लम होने की वजह से आपका डाउनलोड नहीं होता एडमिट कार्ड, तो आप ये मत समझ लेना कि आपका एग्जाम जो है आगे चला गया। आप ट्राई करते रहना लास्ट टाइम तक, भाई कहीं ऐसा ना हो कि किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो रहा हो और आप ये समझ लें कि हमारा एग्जाम तो बाद में होगा और आपका डेट ही निकल जाए। ठीक है, तो फिलहाल बात है कि आपको चेक करते रहना है। आगे की प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। आगे इन्होंने दिया है, अब बात ये करते हैं कि आपके जो जिनके डाउनलोड हो रहे हैं या हो चुके हैं एडमिट कार्ड, उन पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर और टाइम क्यों नहीं है। तो इन्होंने आगे लिखा है द एडमिट कार्ड्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड इन
टू फेसेस, यानी कि दो बार में आपके एडमिट कार्ड आएंगे। फर्स्ट फेज ऑफ एडमिट कार्ड विल कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ सिटी एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू एनेबल द कैंडिडेट्स टू मेक प्लान अकॉर्डिंगली। यानी कि फर्स्ट आपका जो है सिर्फ जो अभी डाउनलोड होगा पहली बार में, उसमें आपके शहर का नाम होगा जिस शहर में आपका एग्जाम होना है, और आपको डेट दी होगी जिस डेट को आपका एग्जाम होना है। जैसे कि 16 के बाद में मान लो आपको 17 का, 18, 20 जब भी होनी है, तो वो डेट आपकी उस पर होगी और आपका शहर का नाम होगा। शहर का नाम इन्होंने इसलिए दे दिया अभी से कि आप जो है प्लान कर सकें कि आपको कहाँ कैसे जाना है आपका, चाहे आप ट्रेन बुक करके जाएं, चाहे आप बस से जाएं, तो आप अपना इंतज़ाम कर लें वहाँ तक के पहुँचने का। तो इसलिए इन्होंने शहर आपको बता दिया है कि इस शहर में आपको भाई होना है एग्ज़ाम। अब सेकेंड फेज ऑफ एडमिट कार्ड विल इन्फॉर्म विद इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड टाइम। तो टाइम और एग्जामिनेशन सेंटर का जो एडमिट कार्ड है वो आपका 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम होने से 2 दिन पहले आपका आ जाएगा वेबसाइट पे CTET की। अब यहाँ पे भी एक चीज़ ये है कि ये एग्जामिनेशन से पहले के 2 दिन जो है ये कौन से वाले 2 दिन हैं। एक तो ये हो सकता है कि जैसे कि आपका 16 को एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो आपका जो है 16 से पहले यानी कि 14 को आपके सभी के आ जाएं दूसरे, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अगर 25 तारीख को होना है तो आपका एडमिट कार्ड 23 तारीख को अवेलेबल हो। इसका कोई कन्फर्मेशन इन्होंने नहीं दिया है, आप दोनों तरीके से चेक करते रहें। अगर आपका पहला एडमिट कार्ड आ चुका है तो आप सेकेंड वाला, अगर आपका 14 को आ गया तो बात क्लियर है, और अगर 14 को नहीं आया तो भाई जिस जो डेट आपकी दी गई है ना, जैसे 25 है तो 23 को आपका आ जाएगा, अगर आपकी डेट जो है एग्ज़ाम की 20 है तो 18 को आपका दूसरा वाला एडमिट कार्ड आ जाएगा। यानी कि आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जो है वो वाला एडमिट कार्ड आएगा जिस पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी लिखा होगा और आपका शिफ्ट यानी कि टाइम भी लिखा होगा कि 9 बजे से है या 2 बजे से है, ठीक है। ये भी आपका सब वेबसाइट पर होगा। आगे की इन्फॉर्मेशन पर बढ़ते हैं। आगे इन्होंने ये दिया है द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी एंटरटेंड। यानी कि अब आपकी कोई भी नहीं सुनी जाएगी, चाहे आप अगर ये कहते हैं कि मुझे शहर चेंज करना है या मुझे अपना सेंटर चेंज करना है या मेरी डेट की एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम की डेट चेंज कर दो, तो ऐसा कोई भी आपकी जो है रिक्वेस्ट अब सुनी नहीं जाएगी, वो कन्फर्म उन्होंने कर ली है। नीचे आपकी जानकारी ये दी गई है कि कुछ लोगों के जो है एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, किस वजह से, द सीटेट यूनिट हैज़ रिजेक्टेड इमेजेस ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ सम कैंडिडेट विच वर नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट। यानी कि आपके जो सिग्नेचर था और जो आपका फ़ोटो था वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था, छोटा बड़ा था या क्लियर दिख नहीं रहा था या ज़्यादा MB का था या कम MB का था, इस तरह की कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उन्होंने रिजेक्ट किया उसको। और उन्होंने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये इन्फॉर्मेशन भी तभी भेज दी थी कि आपका जो है फ़ोटो या इमेज जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, आप दोबारा फिल कर दें। तो जिन्होंने दोबारा दे दिया था अपना फ़ोटो या अपना सिग्नेचर, तो उनके एडमिट कार्ड उन्होंने इशू कर दिए हैं, लेकिन जो नहीं दिया था जिन्होंने, उनके एडमिट कार्ड जो है वो इशू नहीं किए गए हैं। लेकिन इन्होंने अब भी एक चांस और दे दिया, आगे लिखा है इन्होंने, दीज कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड दियर करेक्ट इमेज इमीडिएटली। यानी कि तुरंत आप अपलोड कर दीजिए, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इमेजेस दियर ई एडमिट कार्ड्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। यानी कि अभी भी टाइम है, अगर आप अभी भी अपने फोटो या अपना सिग्नेचर जो है करेक्ट फॉर्मेट में अपलोड कर देते हैं तो आपको अभी भी जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा। वजह इसकी ये है क्योंकि अभी जो है आधे बच्चों का एडमिट कार्ड आया है, आधे का रुका हुआ है, तो जो जिनका रुका हुआ है उनमें आपको शामिल कर दिया जाएगा और आपका जो है एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक फ़ायदा ये मिला है भाई, बाकी तो सारे मुझे नुकसान ही लग रहे हैं इसमें, इन्होंने इतना कन्फ्यूज़ कर दिया है। बाकी आगे इन्होंने ये लिखा है, इन द केस एप्लीकेंट इज नॉट एबल टू दियर डाउनलोड हिज हर ई एडमिट कार्ड, शी मे करेक्ट कॉन्टैक्ट सीटेट यूनिट CBSE। ये नंबर इन्होंने दिए हुए हैं जो आपके हेल्पलाइन नंबर हैं, तो आप इन पर जो है 9 बजे से शाम को 5:30 तक इन पर कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है। वर्किंग डेज यानी कि संडे को आप ना करें, उसके अलावा किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक लाइन लास्ट ये बची है भाई आपकी कि द कैंडिडेट्स मे नोट, आप नोट करें दैट नो ई एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाई देम बाई पोस्ट। यानी कि आपको पोस्ट के द्वारा कोई भी नहीं भेजा जाएगा, आपको डायरेक्टली वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी कोई सवाल अगर बचा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं, उसके लिए नई वीडियो बना दी जाएगी। आपका अगर कोई सवाल ऐसा है जो आपका ज़रूरी था
जिसका जवाब देने से रह गया हो। बाकी आप जो है एक बार इस पर ध्यान से सुन ले, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अगर आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है तो आपका आ जाएगा कुछ दिन के बाद, और दूसरी बात यह है कि आपको दो बार डाउनलोड करना पड़ेगा। मेन आपका ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर और आपका जो शिफ्ट है 9 बजे होगा या 2 बजे होगा, वो लिखा हुआ आएगा आपका दूसरे वाले एडमिट कार्ड पे, यानी कि एडमिट कार्ड आपको दो बार डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? अभी कोई डाउट आई थिंक नहीं बचा होगा। उसके अलावा भाई जिन लोगों को नोट्स लेने हैं सीटेट के, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। लास्ट टाइम के नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, 8532855503। यहाँ पे आप नोट्स ले सकते हैं। दो तरह के नोट्स हैं हमारे, थ्योरी नोट्स हैं जो आप पहले ले चुके हैं, एक 500 क्वेश्चंस की न्यू सीरीज आपकी तैयार की है जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूँ समझ लीजिए आपके सीटेट के मैक्सिमम क्वेश्चंस इन 500 क्वेश्चंस की सीरीज में से फंस जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं क्योंकि इसका अनाउंस हमने पहले ही कर दिया था। बाकी संपूर्ण सीटेट की कोशिश करेंगे नया लाने की। उसके अलावा आप जो है यूट्यूब पर जाके वीडियो देख सकते हैं, सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी संपूर्ण सीटेट वीडियो है, उसके अंदर आपको कंप्लीट सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।